हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर लोकबंधु नियमित करते हैं जनसुनवाई। थार नगरी बाड़मेर के जिला कलेक्टर मुख्यालय पर प्रकरणों को प्राथमिकता से सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात कर परिवादी से मिलकर उनकी समस्या का निस्तारण कर रिपोर्ट करने के देते हैं निर्देश। थार नगरी के जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय में समस्याएं लेकर आने वाला चाहे ग्रामीण हो या शहरी, सबकी सुनते हैं लोक बंधु। जिला कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई जब आम जन आते सुबह से दोपहर तक जन सुनवाई करते नजर आते, आम जन लंबी कतारें खड़े ग्रामीण की हर समस्या सुनते, जवाब देते, अधिकारियों फोन कर कहते नजर आते, उनकी समस्या सुनना ये कहते नजर आते, जन सुनवाई आने वाले ये कहते फोन नंबर जरूर लिखना आपको जवाब मिलेगा। ऐसा सुनते ग्रामीण किसान के चेहरे मुस्कान नजर आते हैं, हंसते हुए बाहर जाते हुए जुबान से शब्द निकलते हैं, धन्य कलेक्टर लोकबंधु को दुआ देता नजर आता। जिला स्तर जन सुनवाई हर माह पहले शुक्रवार को करते। इस तरह जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जन सुनवाई में आए परिवादियों को कुर्सी पर बैठाकर संवेदनशीलता के साथ उनकी परिवेदनाएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर निस्तारण करने के निर्देश देते। अधिकारी गंभीरता से लेते परिवादियों की जांच कर रिपोर्ट करते हैं। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने विचाराधीन प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों से जांच, अधिकारी त्वरित कार्रवाई कर परिवादियों को राहत दिलाने पहल करते नजर आते हैं। उन्होंने उपखंड अधिकारियों को उपखंड स्तरीय सतर्कता समिति के नियमित बैठकों का आयोजन कर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दे रखे। उन्होंने अधिकारियों को सतर्कता समिति के मामले को गंभीरता से लेते हुए किसी प्रतिनिधि के बजाय स्वयं जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा। ग्रामीण जन में तालाबों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने व सरकारी जमीन की पैमाइश कर नेखमबंदी करने के प्रकरण को सरकारी कटान रास्ता खुलवाने, अतिक्रमण व सड़क बनाने की मांग, भ्रष्टाचार की जांच, कई मामले संबंधित मामले में तहसीलदार को मौके पर जाकर रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए देते। रास्ता खुलवाने के मामले में उपखंड अधिकारी शिव को तत्काल जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देते जिला स्तरीय जन सुनवाई। इसी तरह जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत परिवादियों पर संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई कर राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान परिवादी द्वारा अतिक्रमण हटाने, नामांतरकरण निरस्त करने, गोचर भूमि से अवैध निर्माण हटवाने, रास्ता खुलवाने सहित विभिन्न समस्याओं से जुड़े प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें कई लोगों की समस्याओं का मौका पर निस्तारण करने तथा अन्य प्रकरणों के विभागीय अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश देते। बाड़मेर सुबह होते ग्रामीण जन पहुंच जाते, हाथ समस्या सफेद कागज लेकर नजर आता। कुछ मिनटों कलेक्टर लोकबंधु स्वयं ऑफिस बाहर आकर सुनते समस्या और समाधान करते। एक जन या दस अनेक सबकी सुनते बाड़मेर लोकबंधु बस कलेक्टर कार्यालय आता, अपनी पीड़ा लेकर आते हैं। अन्य बस कुछ मिनटों में बैठक पहले बीच आकर आम जन को चाहे ग्रामीणों व शहरी जन सबकी सुनते बस बाहर आते जुबान ये शब्द कहते हैं, बाड़मेर हो तो कलेक्टर लोकबंधु जैसा। ऐसा एक मामला देखने मिला। जिला कलेक्टर ने ली असहाय वृद्ध की सूद, भरण पोषण समेत सहायता की हिदायत। बाड़मेर कुछ दिन पहले कुसीब निवासी असहाय वृद्धा मदन कंवर को सखी केंद्र में पहुंचकर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने सूद ली एवं उसके दुख दर्द सुनकर तत्काल भरण पोषण तथा वांछित सहायता अविलंब दिलाने की हिदायत। जिला कलेक्टर बुधवार दोपहर पश्चात जिला मुख्यालय पर संचालित सखी सेंटर पहुंचे तथा यहां पर कुसीब निवासी मदन कंवर की समस्याओं को उसके समक्ष बैठाकर धैर्य के साथ सुना। इस दौरान मदन कंवर ने बताया कि उसके बहू बेटे ने उन्हें बेघर कर दिया है तथा पिछले 6 दिनों से वे सखी केंद्र में रह रही हैं। इस पर जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी कुसुम लता चौहान सिवाना को उसी समय मोबाइल पर बात कर वृद्ध जन भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत उसे सहायता राशि तत्काल स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। साथ ही उसके हिस्से की पैतृक जमीन के लिए तहसीलदार को कार्रवाई कर हक दिलाने की हिदायत दी। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रहलाद सिंह राजपुरोहित को निर्देश दिए कि वे सभी संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर वृद्ध जन मदन कंवर को सहायता प्रदान करवाएं एवं उसकी समस्याओं का समाधान करें। साथ ही उसके लिए अन्य व्यवस्था होने तक सखी सेंटर में रख कर उसकी पूरी देखभाल, दूसरे दिन उनके परिजन बुलाकर समझाइश करके घर भेजा।
जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित सखी केंद्र वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सखी केंद्र की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान महिला अधिकारिता विभाग उप निदेशक प्रहलाद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सखी केंद्र में उत्पीड़ित एवं निराश्रित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार चिकित्सा परामर्श, पुलिस, न्यायिक एवं अस्थायी आश्रय तथा भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम इकबाल की रिपोर्ट।